तो दोस्तों आगे एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे देख ही सकते हैं मेरे कितना अमेजिंग अमेजिंग एडिटिंग हो रहा है। सिर्फ टैप करना है और भी बैकग्राउंड इरेजिंग नहीं करना है, कोई भी ब्रश का यूज नहीं करना है बैकग्राउंड इरेजिंग करने के लिए। एंड गाइस फेस स्मूथ भी नहीं करना है, और अपने फोटो को क्लिक करके और इसमें इनपुट कर लेना है और अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना ही रहेगा आप लोगों को। और एक दिन में फ्रेंड्स आप लोग कम से कम 1000 फोटो एडिटिंग कर पाओगे। तो यार एक घंटे का काम आप लोगों का जो कि सिर्फ 1 सेकेंड में होने वाला है। तो क्यों नहीं फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वो भी बगैर स्किप किए, क्योंकि यार स्किप कर करके वीडियो को देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टेप्स मैं कब बता रहा हूँ। स्टेप को मिस करोगे ना तो आप लोग भूल जाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने एप्लीकेशन को शो करके दिखा दे रहा हूँ, तो यही है फ्रेंड्स एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन से मैं एडिटिंग करके दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। HD बैकग्राउंड होगा और HD फोटो एडिटिंग भी होगा। तो आप लोग को प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ पर सर्च कर लेना है, इस तरीके से न्यू आर्ट लिख के सर्च कर देना है। और सर्च कर देने के बाद से जो ये वाला एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा ना, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें कोई वाटरमार्क आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ठीक है, और यहाँ से मैं अपने बैक आ जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर कीजिएगा ना। तो उसी में इस एप्लीकेशन को मैं डाल के रखा हूँ, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई लोग आप लोगों को क्या करना है, उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और उसको ओपन कर देना है। कर देने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस फोटो को पहले से एडिटिंग करने के लिए लगाया था, तो यहाँ पे सिर्फ मैं टैप कर दे रहा हूँ और इस तरीके से मेरा फोटो एडिटिंग हो जा रहा है। जैसे ये वॉल्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो हाउस देखने के लिए मिल जा रहा है, यहाँ पे वेल्डिंग देखने के लिए, स्कूल देखने के लिए, ठीक है ना। आप लोगों को जैसा जैसा चाहिए ना एडिटिंग वैसा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोगों को सिंपली से ब्रश वगैरह कुछ नहीं करना है, स्मूथ वगैरह कुछ नहीं करना है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से एडिटिंग हो रहा है, जैसे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते यार ऐसा एडिटिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले सेव करके दिखा दे रहा हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, नहीं तो यार आप लोग भी बोलोगे यार पैसा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोगों को यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ से मेरा सेव को ओके कर दे रहा हूँ, तो मेरा फोटो सेव हो गया है। और ये कुछ एड ओड देखने के लिए आ रहा है, तो आपका मर्जी, आप लोग देख सकते हैं या फिर यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो मेरा फोटो सेव हो चुका है और फाइनली मैं अपने गैलरी में भी जाके दिखा दे रहा हूँ उसी फोटो को जो मेरे फोटो सेव किया था। तो वो फोटो अभी यहाँ पे शो करेगा। तो मेरा फोटो सेव क्यों नहीं हुआ था मैं बता दूँ कि यहाँ से आप लोगों को सेव करना, मैं जैसे कि बैक आप लोगों को जाके दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोगों को जैसे कि इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा ना, तो यहाँ से कट कर लेना है और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली से यहाँ जो सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर क्लिक कर देना है। और देन गाइस फिर से आप लोग को ऐड देखने के लिए मिलेगा, तो इसे क्लोज कर देना है और यहाँ से आप लोग को सेव करना है, तब आप लोग के सीधे गैलरी में जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा शो कर रहा है सेव टू गैलरी, तो मैं अपने गैलरी में जाके आप लोग को शो करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका है मेरे गैलरी में, जैसे कि मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ मेरा फोटो एकदम HD में। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा फोटो एडिटिंग हो सकता है, वो भी बगैर इरेजिंग किए, बगैर स्मूथ किए। तो चलिए बगैर किस तरीके का वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो सिंपली से आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और आप लोग को जैसे जैसे बताऊंगा ना सेम वैसे ही करना है। तो दोस्तों एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद से आप लोग को एडिटिंग करना है, तो आप लोग को एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर एडिटिंग करना है तो एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं बैकग्राउंड चेंज करना ही आप लोगों के लिए सूटेबल होगा, तो एक्चुअली मैं बैकग्राउंड ही चेंज करूँगा अपने वीडियो में। तो यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है और गैलरी में अपने चले जाना है। अपने गैलरी में जाने के बाद से आप लोगों के जितना भी फोल्डर्स वगैरह होगा ना, तो सब आप लोगों को शो करेगा यहाँ पे। तो शो करेगा तो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों का जो भी फोल्डर में, जिस भी फोल्डर में आप लोगों का फोटो होगा अपने अकॉर्डिंग अच्छा दिखता होगा, उस फोटो को ऐड कर लेना है। और ऐड करते ही आप लोगों का जो बैकग्राउंड है ना वो भी रिमूव हो जाएगा, वो भी एक क्लिक्स में, ठीक है ना भाई। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, तो मेरा ये ऐड हो चुका है और इसका बैकग्राउंड देखिएगा कितना अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, सिंपली से यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ इस तरीके से आप लोगों को देखना करके आप लोगों को देखना। जैसे कि यहाँ पे मैं लव वाले पे क्लिक कर दिया और इस तरीके से एडिटिंग, वाह देख सकते हैं यार, यकीन ही नहीं होगा आप लोगों को ऐसा एडिटिंग।
एक दिन में अगर आप लोग इसमें एडिटिंग करते करते थक जाओगे, एक साल भी पोस्ट करोगे तो इसमें बैकग्राउंड वगैरह कम नहीं होगा, मिलता ही रहेगा। इसमें से आप लोग इंस्टाग्राम से एक दिन में एक भी आप लोग पोस्ट कर रहे हैं सेव करके, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त है। जैसे मैं यहाँ पर न्यू ऑन कर दे रहा हूँ, इसमें लाइट वगैरह आता है तो अच्छा लगता है। जैसे कि ये फोटो देख सकते हैं कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, अमेजिंग वाओ। तो यहाँ पे मैं पैटर्न वाले पे क्लिक करके इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को जो अच्छा लगे उस पर आप लोग कर सकते हैं, इसमें आप लोगों का कोई भी पैसा वैसा नहीं लगने वाला है। तो हमको यार जो भी अच्छा लगे मैं वहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और आप लोगों को भी कर लेना है। बाकी का सेव करने का प्रोसेस में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर ले रहा हूँ, और अप्लाई करने के बाद से इस एड को आप लोग को क्लोज कर देना है यहाँ से। और क्लोज कर देने के बाद से यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप लोग अपने फेस का स्केच भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो स्केच बनाना है तो स्केच वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके एडिटिंग वगैरह अपना कर सकते हैं। तो ये मेरा स्केच बन चुका है, तो ये हमको उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। तो ओके कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें यही एक दिक्कत है कि बार बार रेड आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसमें अपने बैकग्राउंड को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ ये भी हमको अपने अकॉर्डिंग है यार, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, बट यार हमको ऐसे ही अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ, इस तरीके का ड्रिप वाला फ़ोटो एडिटिंग करना है ना तो भी आप लोगों का एडिटिंग हो जाएगा, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने नेक्स्ट वीडियो में यार बताया था कि इस तरीके का एडिटिंग कैसे होता है, और फ्रेंड्स उसमें आप लोगों को कटआउट करके इरेजिंग करके दिखाया था, बट यार वो हमको भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि यार बहुत ही लोगों से हो पाया और बहुत ही लोगों से नहीं हो पाया। तो इसमें देख सकते हैं यार, बस क्लिक करते जाओ यार, अपने अकॉर्डिंग अपने फ़ोटो को सेव करते जाओ, इसमें ये बात होने वाला है। तो इसको भी मैं बैक कर दे रहा हूँ यार, इसमें एड आके तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। तो इसमें से आप लोगों को फिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप लोगों को फिट चाहिए बैकग्राउंड का कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते कि कौन पैसे देता है सोशल मीडिया, तो ऐसा ऐसा ऐड देखने के लिए मिलेगा तो आप लोगों को देखना होगा या फिर स्किप कर देना। तो फाइनली मैं अपने फ़ोटो को सेव कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से जाके मैं सेव कर ले रहा हूँ। मैं एक फ़ोटो को नहीं फ्रेंड्स, मैं अपने 4-5 फ़ोटो को एडिटिंग करके दिखा दे रहा हूँ यार, ऐसा एडिटिंग कैसे होता है। फिर से मैं उसी ऑप्शन पे क्लिक करके गैलरी में चला जाऊँगा और अपने फ़ोटो को ऐड करूँगा। यार आप लोगों को यकीन नहीं होता होगा, इसलिए मैं 2-3 फ़ोटो को एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अपने अकॉर्डिंग अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी कर लेना है, और कर लेने के बाद से आप लोग को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद से अपने अकॉर्डिंग यार जो बैकग्राउंड अच्छा लगे उसको ऐड कर लेना है इस तरीके से। अगर आप लोगों का पैसा वैसा मांगता है ना तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को एकदम जो कि फ्री वर्जन वाला मैं आप लोगों को बैकग्राउंड दे दूंगा इसका लिंक, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग भी उसका यूज कर सकते हैं। यार आप लोग बस सपोर्ट करो यार, सपोर्ट टू सपोर्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है फ़ोटो हमको, तो इसको मैं यहाँ से सेव कर ले रहा हूँ। तो सेव हो जाने के बाद से मैं एक और फ़ोटो को, लास्ट फ़ोटो को एडिटिंग करके, 3 फ़ोटो को एडिटिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैं फिर से अपने किसी अनदर फ़ोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन गाइस आप लोग को करना है, जितना मैं फ़ोटो कर रहा हूँ ना उतना करना है, तो आप लोग को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका भाई जैसा जैसा कर रहा है सेम टू सेम वैसा ही आप लोगों को भी करना है। तो यहाँ से मैं अपने चले जा रहा हूँ फोल्डर में, और अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा। तो ये रहा मेरा फ़ोटो, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यार मैं हमको जो अच्छा लगे वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो सूटेबल बैठे वो ऐड कर सकते हैं। तो यार हमको अभी तक कोई अपना अच्छा फुल फ़ोटो ही इसमें अच्छा दिखेगा, जैसे कि ये फ़ोटो हो गया, मैं इसको ऐड कर ले रहा हूँ। तो ये भी देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड है वो भी इरेज हो जाएगा, इस पर आप लोग किसी पे भी टैप करेंगे तो कुछ इस तरीके से। जैसे कि यार आप लोगों को यकीन ही नहीं होता होगा अभी तक यार कि ऐसा फ़ोटो एडिटिंग हो रहा है मेरे फ़ोन में। ऐसा एडिटिंग तो यार पीसी वगैरह में भी होता है, बाकी सब यार फ़ोन में तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ऐसे एडिटिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार रोज़ाना मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। और फिर से मिलूंगा एक और ऐसे नए धमाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।